हेलो बच्चों, कैसे हो? पूजा का छुट्टी कैसे गुजरा? सब ठीक थे? कुशल में थे? बहुत इंजॉय किया होगा, मगर इस यार तो उतना खुशी नहीं हुआ समझ में आ रहा है, मगर तभी भी थोड़ा बहुत तो हुआ। फेस्टिवल एंजॉय किया होगा, और सामने में फिर दिवाली आ रहा है, तो उसको बीच में आ क्लासेस स्टार्ट हो गया है, तब थोड़ा पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अभी फर्स्ट टर्म हो गया, आज से हम लोग एनुअल टर्म का सिलेबस स्टार्ट कर रही हूँ, तो आगे हम लोग हिंदी पर चैप्टर 14 तक कर चुके थे, आज चैप्टर 15 लक्ष्य का चैप्टर 15 आओ की मात्रा। चलो बच्चों किताब निकालो और मैं ये वर्ड बोलूंगी, मेरा साथ थोड़ा बोलिए, उसको बाद में ये चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, लाओ की मात्र ट लौट, फाओ की मात्र जब फौज, द ओ की मात्र दौर, मा ओ की मात्र जब मोज, मा ओ की मात्र का मौका, प ओ की मात्र ध आ की मात्र पौधा, ना ओ की मात्र क आ की मात्र नौका, च ओ की मात्र र आ की मात्र चौड़ा। नेक्स्ट, नीचे ब्लॉक। ना ओ की मात्र कर नौकर, र ओ की मात्र न का रौनक, प ओ की मात्र ल आ की मात्र द फौलाद, ग ओ की मात्र र म गरम, ख ई की मात्र ल ओ की मात्र न आ की मात्र खिलौना, ग ओ की मात्र र ब गौरव। ठीक है, वो गौरव होगा। मा ओ की मात्र स माई की मात्र सो मी, मोस मौसमी, का चौ की मात्र रई की मात्र कचोरी, पा कौ की मात्र रई की मात्र पकोड़ी, हा था औ की मात्र रई की मात्र हथौड़ी, मा न मन, मा ओ की मात्र जय की मात्र ई मनमोजी, चाओ की मात्र कई की मात्र द आ की मात्र रा चौकीदार, सा ओ की मात्र द आ की मात्र गर सौदागर। इधर में फोटो है, देखो ये लौकी है, ये है बोना, ये है तौलिया, और ये है बिछोना, नीचे वाला बिछोना। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज, पेज 56, पेज 56, बोने की दौर, चैप्टर है बोने की दौर। अब मैं पढ़ रही हूं, आप लोग फॉलो कीजिए प्लीज, आप लोग को किताब खोलिए और अच्छा से ध्यान देके सुनिए। ठीक है, ओके चिल्ड्रन। एक बोना था बड़े ही नटखट, मतलब नॉटी,
उसे जादू करने का शौक था, मींस इच्छा था, उसको बोने का बहुत शौक था कि कुछ जादू करे। एक दिन उसे चौराहे पर तौलिया मिला। एक दिन क्या हुआ, उसको चौराहे पर, मतलब रास्ते में कहीं पर उसको तौलिया मिला। उसे तौलिया को बिछौना बनाया और उस पर बैठ गया। तो वो तौलिया को बिछाया बिछौना जैसे और उसको ऊपर वो बैठ गया। वहां बुद्ध बुदाया अकड़म बकड़म छू, बस वो हवा में उड़ने लगे और उसने मैजिक वर्ड बोला। क्या? बुद्ध बुदाया अकड़म बकड़म छू, और बस वो बिछौना आस्ते आस्ते आसमान का तरफ उड़ने लगा। बादलों को छूने में उसे बड़ा मजा आया। वो आसमान से उड़ रहा उसके ऊपर बैठ के, और बादल के बीच से जा रहा, बादल भी छू रहा, रुई जैसे सफेद बादल दिखाई दे रहा था। वो तो पूरा ऊपर में है ना, जैसे हवाई जहाज जाता ना बादल के बीच में, वो भी वैसे बादल के बीच से उड़ना लगा। रास्ते में कभी कौवा से बातें करा करता उड़ता, जब चिड़िया भी रहता है उससे कौवा से सब बात करते। उड़ते उड़ते उसे बहुत भूख लगने लगी। अब आसमान में उड़ रहा और उड़ते उड़ते क्या उसको भूख लग गया। उसने नीचे देखा, हलवाई की पकौड़ी और कचौड़ी तल रहा था, ऊपर से भूख लगा नीचे दुकान में दिखाई दे रहा, हलवाई की कचौड़ी गरम गरम तल रहा था, और उसे मन लचा गया और इतना उसको भूख लगा, उसको इतना मन छटपटत रहा कि वो नीचे आके उसको खाने के लिए तरस रहा था। वो फिर बुदबुदाया अगड़म बगड़म छू बोला। पकौड़ी हवा में उड़ती हुई उसके मुंह में आ गई। अब वो जो ऐसे बोला वो पकौड़ी गरम उसको मुंह में आके दिया। गरम गरम पकौड़ी, वाह आओ आओ करने लग रहा। तुम जब कुछ गर्म करते ना ऐसे नहीं करते हो, वैसे उसको मुंह जल गया, गरम पकौड़ी जाके उसको मुंह में घुस गया, जल गया। अब तो वो सारा जादू भूल गया और मुंह में गरम पकौड़े गया और क्या, वो जलने लगा, जीभ जलने लगा, मुंह जलने लगा, और उसी से क्या हुआ, उसको ध्यान उस तरफ चला गया मुंह का तरफ, और वो जादू का मंत्र भूल गया। गरम पकौड़ी ना बाहर निकल पाए ना ही गले जाए। तो पकौड़ी ना वो निकल सक रहा था और ना वो अंदर जा रहा था। दौड़ा और दौड़ता ही गया, और उसने दौड़ता दौड़ते गया क्योंकि वो पकौड़ी से उसको मुंह अटक गया। तो ये स्टोरी कैसी लगा? एक चीज यहाँ क्या बोला कि लालच अच्छा चीज है नहीं, उसको कंट्रोल करना चाहिए। जब तुम कुछ करते हो तो तुमको वही करना चाहिए। तो उसी टाइम हमको भूख लग रहा, हमको वो लग रहा, ये सब दिमाग में नहीं रहना चाहिए। अब ये कितना सुंदर मंत्र सीख के याद करके उड़ रहा था, अब क्या हुआ, अब वो पकौड़ी जाके मुंह में गरम गया, वो भूल गया, मंत्र बोल नहीं पा रहा, और वो पकौड़ी भी मुंह में अटक गया। ये एक बोने का स्टोरी था, ठीक है? अच्छा लगा स्टूडेंट? तो आप लोग इसको अच्छे से रीडिंग कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास लर्न दी स्पेलिंग्स आई विल गिव यू, मैंने ये स्पेलिंग दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ओके? और उसको बाद ये पीछे का
क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज. क्वेश्चन आंसर्स मैं सब लिख दूंगी, उसको स्नैपशॉट दे दूंगी, ठीक है. और एक्सरसाइज भी करूंगी उसी साथ साथ. और नेक्स्ट डे मैंने पेज 55 होमवर्क, इसको स्पेलिंग याद करना. ओके स्टूडेंट, ठीक है. फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. तभी गुड चिल्ड्रेन, पढ़ाई शुरू कीजिए. अब फाइनल एंड ऑल का यूनिट टेस्ट और एंड ऑल के लिए तैयारी. दिवाली आ रहा है मालूम है, मगर उसको बीच में थोड़ा पढ़ाई. गुड चिल्ड्रेन, सी यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है.